श्योपुर से खबर, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया है, वहीं शहर सहित बड़ौदा इलाके में भी पानी घुस आया है। आसपास की नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, वहीं इंटरस्टेट हाईवे भी जिसके चलते बंद किया गया। तो मालवा निमाड़ में अगर नजर डाली जाए तो श्योपुर से तस्वीरें आई हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस आया है। बताया जा रहा है कि आसपास की नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके चलते इंटरस्टेट हाईवे को भी बंद करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निचली बस्तियों में घरों के अंदर पानी इतना ज़्यादा भर चुका है, क्योंकि लगातार यहाँ बारिश का दौर जारी है और शहर के जितने भी नदी नाले हैं उफान पर आ गए हैं। अब तो जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बारिश से श्योपुर अब एक टापू की तरह बन चुका है। लगातार यहां पर निचली बस्तियों में पानी देखने को मिल रहा है, पानी से लबालब बस्तियां हो चुकी हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरह से यहां लगातार बारिश का दौर जारी है। तो श्योपुर का राजस्थान मध्य प्रदेश से संपर्क, सड़क संपर्क भी टूटता नजर आ रहा है। तो निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस आया है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, श्योपुर की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बारिश के चलते श्योपुर टापू में तब्दील हो गया है, क्या जानकारी मौसम से जुड़ी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो प्रदेश के कई जिले हैं उनके साथ ग्वालियर और चंबल में भी अलर्ट जारी किया था, और यही वजह है कि जिस तरीके से श्योपुर में बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं अब आफत के रूप में सामने आ रही है। श्योपुर सहित बड़ौदा के कई इलाके हैं जहां पर निचली बस्तियां हैं उनके घरों में पानी पहुंचा है, तो उसी के साथ कई जो दुकानें हैं हाईवे से जुड़ी हुई वहां तक जो है बारिश के पानी ने दस्तक दी है। इसी के साथ बड़ौदा इलाका का जो थाना है वो बिल्कुल जलमग्न हो गया है, और उसके साथ जो बड़ौदा के कई घर हैं वो भी पानी के आगोश में समाते जा रहे हैं। हालत ये है, कई घरों में जिस तरीके से बारिश का पानी पहुंचा उसके बाद लोगों के लिए मुसीबत खड़ी है, और अब जिस तरीके से तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घरों में घुसने वाला पानी जो है वो कई घरों के जो घर गृहस्थी का सामान होता है उसको भी अपनी आगोश में ले चुका है। हालत यह है कि अब लोग जो है घरों को छोड़कर खाली जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर थोड़े से लोग परेशान हैं। फिलहाल अभी जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे जिन इलाकों में बारिश का पानी बहुत ज्यादा तादाद में नजर आ रहा है वहां से उन घरों के लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी जो जिस तरीके की तस्वीरें सामने उनसे साफ जाहिर है कि बारिश जो है वो श्योपुर शहर में अब मुसीबत के तौर पर सामने आ रही है। जी अजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शहर सहित बड़ौदा इलाके में भी पानी घुस आया है, और जैसा संवाददाता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण ये स्थिति श्योपुर में बन गई है, जिसके चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था, और अब जिला प्रशासन के अधिकारी भी उन बस्तियों में पहुँच रहे हैं जहाँ लोग पानी से परेशान हैं, और उनको सही इलाके पर सही जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है।